मर्जी जो मर्जी। तो यहाँ पे देखिए तब्बू आरुषि और अब्बू कपड़े धोए लगी को का। ये हमारा बेज। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही सुबह के 8 बजे से और मैं 6:30 बजे उठी हूँ आज। और तबीयत मेरी पहले से अब ठीक है, पूरी तरह से ठीक भी नहीं लग रहा है, सुस्ती तो बहुत है अभी भी और ऐसा कमज़ोरी जैसी महसूस हो रही है। और बाकी अभी मेरी तबीयत ठीक है और अभी बस मेरा अब्बी को नहलाया, इसके बाद मैं खुद भी नहाने जा रही हूँ। मेरे बाल ना 5-6 दिन हो गए इनको नहलाया ही नहीं, खुद सोचो कैसी हालत हो गई होगी इनकी। वैसे बाल वैसे भी 2-3 दिन बाद ही वॉश करती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया, बीमार थी ना बीच में तो मन ही नहीं कर रहा था बाल नहलाने का, लेकिन मैं कर ही नहीं भाई। वैसे पिछले कल सहज गए थे हॉस्पिटल क्योंकि मेरी तबीयत शाम के टाइम बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैं और मम्मी जी गए थे हॉस्पिटल शाम के 4 बजे, उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने दवाई दी, उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है और अब खाना भी खा रही हूँ मैं। 2 चपाती मैंने रात को खाई थी, अभी भी खा लूँगी कुछ खाना, मतलब अब ऐसा कि भूख आ रही है मेरे को, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने फल फ्रूट खाने के लिए मना किया हुआ है अभी तो। और कल रक्षाबंधन है तो दीदी आ रही है आज, तो मैं उससे ही मंगाऊँगी जो भी मेरे को चाहिए, राखियाँ मिठाई वगैरह। खुद तो मैं जा नहीं पाऊँगी मार्केट, तबीयत ही नहीं है ठीक कुछ, बस चलते हैं। और आजकल ना जब से सावन ख़त्म हुआ है ना, मतलब जैसे ये दूसरा मंथ लगा ना, मौसम इतना साफ हो गया है ना, मतलब इस मौसम में ना अब घास सुखाते हैं तो धूप इतनी ख़तरनाक लगी होती है ना आजकल, क्या बताऊँ। मतलब घास सुखाने का सीज़न स्टार्ट होने वाला गांव में हो गया है, कहीं तो उसका आ भी रहे हैं, लेकिन इस महीने में होता ज़्यादा ना, क्योंकि धूप ऐसी कड़कके की लगी होती है कि घास अच्छे से सूखता है। तो बस अब काम ही काम है बगीचों में। आज मम्मी जी वगैरह ने एप्पल भी निकालना है, लेकिन मेरी तबीयत है नहीं ऐसी कि मैं जाऊँ उनके साथ हेल्प करूँ। बाकी देखते हैं, दीदी आती तो वो जाएगी, या तो देखती हूँ मैं धीरे धीरे अगर हो पाएगा मेरे से जा पाऊँगी। बस मेरी यही नहीं हालत, बाकी देखते हैं अगर बाद में तबीयत थोड़ी और ठीक हुई तो मैं जाऊँगी बगीचे। सेब निकाल रहे आज और धूप बहुत तेज़ है, बाकी देखते हैं। आर्यन और आप भी खेल रहे हैं धूप इतनी तेज ना, आज क्या बताऊँ। मौसम दिखा लेती हूँ मैं पहले आपको, देसी खीरे इबे कैच कर, देसी खीरे ताज़ा ताज़ा। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए तब्बू आरुषि और अब्बू कपड़े धोए मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने, लेकिन मेरे से उठाया नहीं जा रहा है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं दूध वाले का, लेकिन आया नहीं अभी तक। हाय पूजा देखिए अभी कितनी जनता है, अरे देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे दूध वाले का वेट कर रहे हैं। मेरी बात नहीं है, एक ये एक ये पूजा तो पूरा खेल डाली तो ये भी निकल पड़ी घर को कपड़े धोके। तो मैं भी आ गई घर में, पहुंच गई, चला ही नहीं जा रहा है। और मम्मी जी लेके आए मक्की, शाम को भूनने गया जमीन को, एक ही है पर एक ही पका था। और ये देसी स्क्वैश, देसी घेरी, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो ये मम्मी जी खेतों से लेके आए, ये देखिए। तो बस अभी हमने खाना भी खा लिया है और मैंने अपनी दवाई भी ले ली है, अब बस अभी को सुला रही हूँ मैं, इसको नींद आ गई है, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और बाहर ना आज दीप्ता जी निकले हैं, तो दीप्ता जी आज जा रहे हैं कुलों के गाँव, जाके मेरी दादी जी का माइका है तो वहाँ पे जब है, तो दीप्ता जी वहाँ जा रहे हैं। आपको मैं दीप्ता जी के दर्शन कराती हूँ,
तो बस अभी देवता जी आएंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन मम्मी जी है नहीं घर में, तो धूप निकाल लाई ने। तो मैं ना अभी आदबी को सुला रही हूँ। आदबी को मैंने झूले में रखा है क्योंकि इसको नींद आ गई है। देखते सो गया, सो गया। ये क्या रखा है बेचारा। तो आदबी को मैंने अभी सुला दिया है यहाँ पे झूले में, और अभी मैं जाती हूँ नहाने, और मुझे थोड़े से कपड़े भी धोने हैं। तो शायद थोड़ी देर में दीदी वगैरह भी पहुंच जाएंगे, बाकी पता नहीं, वो तो लेट ही आते हैं हमेशा शाम को शॉप बंद करके। तो बस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, ये लिए मैंने अपने शैम्पू कंडीशनर, और अब नहाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तब तक ना मुझे फ़ोन अपना चार्जिंग में लगाना है क्योंकि इसमें कम बैटरी बची है, तो तब तक ही चार्ज भी हो जाएगा। लाइट पता नहीं है कि नहीं है लाइट। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और अपने बालों को ना मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया, बाल भी मेरे अच्छे से सूख गए अब। और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं आदमी भी सोया है, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। तो अभी मैं उठ गई हूँ, आदमी तो अभी भी सोया है, और अभी दीदी की कॉल आ गई आई थी, वो पहुँच गए लार्जी में। तो अनायसा की डिमांड पे मैं बना रही हूँ उनके लिए वेज पुलाव। तो बस उसके लिए मैं सब्जियाँ रख रही थी, अभी क्या क्या है, अंदर ही जाना पड़ेगा किचन गार्डन में। ये सिलर हुआ है और यहाँ पे देखिए मक्की भी हो गई है। मक्की जी नवाज़ो। और यहाँ पे खीरे की बेल भी है, तो देखते हैं इसमें खीरे लगे हैं। यस खीरे खीरे खीरे, आहा कांटे होते इसमें ना, चुभ रहे। लग गई को काकड़ी दो इस। एक और खीरा दिख गया मुझे, एक नहीं है दो है, ये देखिए। इनको मैं यहाँ पे रखती हूँ, एक और है। आदमी उठा, थोड़े से शिमला मिर्च ले जाते हैं पुलाव में डालने के लिए। ये देखिए फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ, भिंडी मकी भी ये हुई। मम्मी जी बोल रही स्वेल में भी लगे हैं, दिख नहीं रहे। तो इतने सब्जियां निकाल दी मैंने, आदमी भी उठ गया अभी, सिर दर्द है मेरे को फिर से। हाय झूले झूले बेटे, आदमी झूल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई अभी। खीरे देखिए, देसी खीरे बहुत टेस्टी होते हैं, चार मिले मुझे खीरे छोटे छोटे पर। और शिमला मिर्च, तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, ये सब्जी हमारे पास, टमाटर। तो अभी दीदी वगैरह भी पहुँच गए हैं, बस मेरा पुलाव भी रेडी होने वाला है थोड़ी देर में। देखो ना दवा नहीं चलो ले गुलिस्ते लिया सीधा।
तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट दिया है, फ्रेश फ्रेश खीरे खाने का मजा ही कुछ और है। ये हमारा वेज पुलाव रेडी हो चुका है, तो मैं सबसे पहले आप बिको खिलाऊंगी, उसको भूखा ही बहुत।